दोस्तों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप सभी देख रहे हैं छोटी बड़ी पल पल की जानकारी टूटी फूटी आवाज में। रेवो सा सीतापुर प्रेम बात पे के साथ बने रहिए और देखते रहिए खबर आपकी कवरेज हमारी। खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि आप देखें और आपके इष्ट मित्र भी देख सकें। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं हमारे यूट्यूब चैनल के कैमरे के माध्यम से 3 जुलाई 2022 दिन रविवार जनपद सीतापुर के थाना थान गांव और रेवसा क्षेत्र इलाके की तस्वीरें हैं, अलग अलग जगहों की गांव में, जहां पर बताते चलें कि आज आकाशीय बिजली गिर जाने से करीब 8 लोग जख्मी हुए अलग अलग जगहों और थानों में और 3 लोगों की जानें चली गईं। वहीं पर सभी जख्मियों को रेवसा सैची लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार करने के बाद 1 को रेफर किया गया और बाकी सभी का 7 लोगों का प्राथमिक उपचार जारी है। हालत डॉक्टरों ने खतरे से बाहर बताई। बताते चले कि थाना रेवसा क्षेत्र के ग्राम शमरा गांव में धान की रोपाई करते वक्त दो लोगों की जान गई और वहीं पर 5 लोग जख्मी हुए शमरा गांव में। जिनकी जाने गई हैं वो इस प्रकार हैं। आपको बता दें कि शमरा गांव में संपत पुत्र छोटेलाल की जान चली गई धान की रोपाई करते वक्त और वहीं पर उनकी पत्नी फूलन देवी की जान चली गई धान की रोपाई करते वक्त। ये दोनों दंपत थे शमरा गांव के निवासी और जो शमरा गांव में जख्मी हुए हैं बिजली आकाशीय गिरने से वो इस प्रकार हैं। खुशीराम पुत्र मूलचंद और सुशीला देवी पुत्र पत्नी राम सेवक, नीरज कुमार पुत्र पुतू भार्गव और शिवरानी पत्नी शिवराज और शिवराज, ये दोनों पत्नी। इस प्रकार से 5 लोग जख्मी हुए शमरा में। और वहीं पर थाना थान गांव के सीपतपुर गांव में आपको बता दें कि वीरेंद्र कुमार पुत्र मूलचंद और केसन पुत्र श्यामनाथ, रामदेवी पत्नी मूलचंद, ये 3 लोग अपने घर पर बैठे थे और अचानक बिजली गिर जाने से ये सीपतपुर में जख्मी हुए और इनको रेवसा सैची लाया गया, जहां पर सभी का इलाज जारी है। लेकिन वीरेंद्र कुमार पुत्र मूलचंद को रेफर किया गया है डॉक्टरों के मुताबिक। और इसी कड़ी में रेवसा के थाना शवता के मजरा कमलपुरवा में संजय गौतम की बिजली गिरने से मौत हो गई और उनकी पुत्री निशा गंभीर रूप से जख्मी हो गई। आगे कुछ बातचीत के अंश, डॉक्टर से पूरी बातचीत के अंश आप पेश हैं। वहीं पर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव पंचायतनामा भरकर लिखा पढ़ी और कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पर तहसीलदार अचल प्रताप भी मौके पर, तहसील प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे और सरकार से जो मुआवजा मिलता है दैवीय आपदा के अंतर्गत पूरा भरोसा दिलाया है उनको, परिवार को मुआवजा दिलाने का। खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। पूरी तस्वीरें आप देखें और खबरों को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। अगर चैनल को अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है और हर छोटी बड़ी खबर से चाहते रूबरू होना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब आज ही करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे खबर का मैसेज आप तक पहुंचे और खबर से रूबरू हो सके। इस प्रकार से थाना थान गांव और रेवसा थाना क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर करीब 8 लोग जख्मी आकाशीय बिजली गिरने से और करीब 3 लोगों की जानें चली गईं। रेवसा थाना क्षेत्र में 3 लोगों की जानें गई हैं और वहीं पर 5 लोग शमरा गांव में रेवसा थाना के अंतर्गत जख्मी हुए झुलसे गंभीर और सीपतपुर थाना थान गांव इलाके में 3 लोग जख्मी हुए गंभीर रूप से जख्मी है। नाम मालूम है? मालूम करो। हमारी उनका क्या नाम? संपत के पत्नी क्या नाम? ठीक है। शमरा गांव में छाया मातम, पत पत्नी की मौत आकाशीय बिजली गिरने से, धान की रुपाई करते वक्त घटना घटी,
आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल छोटी बड़ी पल पल की जानकारी के साथ रहुसा सीतापुर प्रेम वाजपेयी के साथ। उस दरवाजे की तस्वीरें हैं जहां पर दो लोगों की मौत हुई है। खचा खच गांव में और दरवाजे पर लोगों का तांता लगा हुआ है जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में। चित्कारियों से गांव पूरा गूंज रहा है और खेत में धान की रोपाई करते वक्त ये हादसा घटा। आकाशी बिजली गिरी। 3 जुलाई 2022 दिन रविवार की घटना। यह शमरा गांव की तस्वीरें हैं जहां पर एक काफी माहौल गर्म है और काफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। यहां पर आकाशीय बिजली गिरने से दो लोगों की मौत हुई है। थाना रहुसा क्षेत्र पड़ता है। गांव में काफी एक दहशत का माहौल और गमगीन मातम छाया हुआ। यह शमरा गांव की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं आकाशीय बिजली गिरने से घटना बड़ा हादसा हुआ है। जैसा कि आप पूरी तरीके से देख रहे हैं कि ये जनपद सीतापुर के ब्लॉक मुख्यालय कस्बा थाना रहुसा क्षेत्र इलाके की तस्वीरें हैं और शमरा गांव की तस्वीरें हैं जहां पर पूरे गांव में एक मातम सा छा गया है क्योंकि एक बड़ा हादसा हुआ है। आकाशीय बिजली गिरने से दो लोगों की मौत हुई है और एक लोग जख्मी हुए हैं। तीन लोग जख्मी हुए बताए जा रहे हैं। यहाँ पर 3 लोग जख्मी हैं। जख्मियों को रहुसा ले जाया गया है लेकिन गाँव में तस्वीरें स्पष्ट जाहिर करते हैं कि किस कदर से एक बड़ा हादसा, एक दैवीय प्रकोप टूटकर एक पहाड़ सा गिर गया। सेसी में खड़ा हूँ जहाँ पर ड्यूटी पे तैनात हैं और सेसी प्रभारी का चार्ज भी उनके पास है, डॉक्टर सुनील कुमार यादव जी के पास। हम बात करते हैं डॉक्टर साहब, थाना थानगांव और रेवसा इलाके में कई जगहों पर अलग अलग गांव में आकाशीय बिजली गिरने से कई लोग जख्मी हुए और कई लोगों की जान चली गई, उनको आपके वहाँ लाया गया है, तो जख्मी कितने लोग हैं और क्या उनके हालात हैं और कितने लोगों की जाने गई हैं, उनके नाम और बाकायदा बताएं। 3 जगह जहाँ पे जो है बिजली गिरी है, एक सीपतपुरा और थाना थानगांव, दूसरा जो है गिरी है आपकी केवलपुरवा श्यौता में जी, और तीसरी जो गिरी है सिंगरा में। अच्छा, तो श्यौता में जो गिरी है केवलपुरवा में, हाँ। उसमें कौन लोग जख्मी हैं और कितने लोगों की मौत है? एक बच्ची है, उसका नाम निशा है, डॉटर ऑफ संजय, 10 साल की बच्ची है, उसके फादर का नाम संजय है और उनके पिता का नाम चैतराम है, जो जिनकी जो है वहीं पे ब्रॉड डेथ मतलब। अच्छा, तो उनकी जान चली गई उस लड़की के पिता की, निशा की। और निशा की हालत कैसी है? निशा की हालत ठीक है। अच्छा, ठीक है। और शमरा कला में जो कई लोग जख्मी हैं? सभी लोग जो है 1, 2, 3, 4 लोग शमरा कला से आए हैं, जिसमें से सभी लोग अभी सही जो यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा, कोई मौत होत है? अब वहाँ पे तो बताया जा रहा है सूत्रों के हिसाब से कि दो लोगों की, करीब 8 लोग कुल थानगांव और रेवसा में जो है जख्मी है। जी, तो शमरा कला में कई लोग जख्मी हैं, उनके नाम बता दीजिए। शमरा कला में है बिजली से खुशी राम, शिवराम, शिवरानी और नीरज और सुशीला और शिवराज, ये लोग 5 लोग। अच्छा अच्छा, और सिपतपुर में जो है 3 लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें एक लड़के को मुझे रिफर करना पड़ा है। किसको रिफर किया गया है? उसका नाम वीरेंद्र सन ऑफ किशन है, 13 साल का बच्चा है। किशन जी, वो अल्ट्रेड थोड़ा हो गया था और उसका जीसी पुअर आ रहा है। अच्छा, और दूसरा तीसरा दो लोग कौन है? दो लोग जो है राम देवी है और दूसरे है किशन। अच्छा, 3 लोग जख्मी? हाँ, 3 लोग जख्मी हुए थे, जो अभी 2 लोग नॉर्मल है लेकिन बच्चे की। थैंक यू डॉक्टर साहब, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पतला राजपूत
संपत राजपूत, पिताजी का छोटेलाल। कौन सा गांव है? चमरा नगरौली। पत्नी भी है? पत्नी। पति पत्नी की दोनों की है? एक दो लड़कियां हैं सर। अच्छा सर। और जख्मी कई लोग हैं? जख्मी तो हैं कई लोग जो गाड़ी में जा चुके हैं। अच्छा, वो इनके परिवार के हैं? हाँ नहीं, इनके परिवार के नहीं है। के जख्मियों से जो आकाशीय बिजली से झुलसे हुए हैं, उनको रेवसा सेसी लाया गया है, उनके परिजन हैं। क्या नाम है आपका? खुशी राम। पिताजी का? मूलचंद। क्या कर रहे थे, कैसे बिजली गिरी? अच्छा, समरा गांव में रहते हो? अच्छा, और को है साथ में? कौन लोग हो? राजपूत। क्या नाम है? सुशीला देवी। पति क्या? राम सेवक। अच्छा, लोध। अच्छा, शमरा में रहते हो? अच्छा। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। पिताजी का? पुत्तीलाल। पुत्तूलाल लोध भार्गव। अच्छा, शमरा में रहते हो? आप भी खेत में थे? खेत में हम पानी में लगा लगा ले रहा और ये सब बैठ रहा है, वैसे छूटे पानी में धपियार मारी से थपियार में गिर के पानी। अच्छा। अपने गांव में कई लोग झुलसे हो? पाँच लोग आए हैं। तीन लोग, दो लोग कहाँ हैं? क्या नाम है आपका? शिवरानी। पति का? शिवराज। शमरम रहते हो? हाँ। अच्छा, कहाँ गए थे, कैसे क्या हुआ? अच्छा, लैया लगा रहे थे। नाम भाई साहब? शिवराज। ये आपकी पत्नी है? अच्छा। लोध? अच्छा, भार्गव। अच्छा, मतलब शमरा गांव में पांच लोग झुलसे हैं और मौत कैकी हुई है? दो की। ये सीपतपुर में रहते हैं जो आकाशीय बिजली गिरी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? केसन। पिताजी का? रामनाथ। कहाँ घर है? कैसे क्या हुआ, कहाँ गए थे? बिजली गिर गए? अच्छा, नीचे बैठ रहा थी। हाँ। अच्छा, और को है? इस बच्चे का क्या नाम है? बीरेंद्र। क्या हुआ है? आकाशी। कौन गांव रहा? सीपतपुर। थाना? कई लोग झुलसे हैं आपके वहाँ? तीन। कौन कौन? चाचा जी और मम्मी। चाचा जी का क्या नाम है? केशन। अच्छा, और मम्मी? राम देवी। और अच्छा अच्छा, तीन लोग झुलसे हैं। और कोई घटना तो नहीं घटी? झुलसे हैं। एक को लोग क्या कर रहे थे तीनों सीपतपुर में? जैसे मोरे के पेड़ जैसे ये लगा हाँ, घर के पास बैठे थे तभी आकाशीय बिजली गिरी और ये लोग झुल सके। एम्बुलेंस से आए हो? नहीं। अच्छा, आप एम्बुलेंस से रेफर किया गया? क्या नाम है इनका? क्या नाम है आपका? नाम बताएगी? राम देवी। पति क्या? तुम बताओ। पति क्या, क्या नाम है इनके? राम देवी। मूलचंद। अच्छा, ये कहाँ रहते हैं? सीपतपुर थाना थान गाँव। अच्छा, ये जो हमने दिखाई वो सीपतपुर और शमरा गांव में बिजली गली थाना थान गांव, और तीसरा जख्मी हुआ श्योता का। क्या नाम है इस बेटा का? निशा देवी। पिताजी का? संजय। कौन लोग हो? अच्छा, कौन गांव रहा? अच्छा, और कोई मौत भी हुई है? हमारा भाई, इसका पिताजी। नहीं, कोई मौत तो नहीं हुई? हाँ, इसका पिताजी खत्म हो गए। क्या नाम है उसका? संजय। इसके पिताजी खत्म हो गए। ये लोग क्या कर रहे थे? ये बाग में गए थे, आम का बाग है, उसी में बैठे थे। अच्छा, आम की बाग में बैठे थे। गांव से बाहर पूरब? गांव से पूरब है दक्षिण? दक्षिण साइड। जैसा कि आप लोगों ने देखा, पूरी तरीके से जख्मियों से, आकाशीय बिजली से लोग जख्मी हुए और उनको रेवसा सेसी लाया गया, जिसमें सीपतपुर से एक बच्चे को रेफर किया गया है। बाकी शेष का यहीं इलाज चल रहा है।